ऑर्डर्स अच्छे आते हैं पर वैसे भी बिजी होती है। और हम आपको दिखाते हैं कि हमने अर्निंग कितनी करी अभी तक टोटल। और हम स्पेसिफिकली इस एरिया में इसलिए आए हैं क्योंकि तो 10 बज गए रात के। तो अब बात करते हैं कि क्या आप उबर पे नया अकाउंट बना सकते हो या नहीं। तो What's up? Welcome back to my channel. I hope you all are safe and sound. तो आज है सैटरडे और आज हम जा रहे हैं Uber Eats करने के लिए। मैं जा रही हूँ, साथ में शानू जा रहा है। मतलब शानू अभी इधर नहीं है, वो घर के अंदर है, बट अभी जब आएगा तो मैं दिखाऊंगी। तो गाइज ये आ गया है शानू। Hi, how are you? और धूप भी आ गई, शानू भी आ गया, धूप भी आ गई। चलो फिर चलते हैं Uber करने के लिए। अभी फिलहाल 3 बज रहे हैं और हम करेंगे काफी देर तक, हमारा प्लान है। रात तक तो बड़ी आराम से करेंगे, देखते हैं फिर। दिस इज द एरिया जहाँ पे हम आज उबर करेंगे। ये हेडलबर्ग है और हम स्पेसिफिकली इस एरिया में इसलिए आए हैं क्योंकि ये ना थोड़ा बिजी एरिया है और यहाँ पे ऑर्डर्स अच्छे आते हैं। बाकी आज सैटरडे है तो उबर वैसे भी बिजी होती है। प्लस आज की वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि आप उबर पे नए अकाउंट्स बना सकते हैं या नहीं, बिकॉज आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉमेंट्स अबाउट दिस क्वेश्चन। बहुत लोगों को ये क्वेरी है कि उबर में नए अकाउंट्स बन रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं बन रहे तो वॉट इज द रीज़न, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। पर पहले थोड़ी सी उबर कर लेते हैं। हाँ से हमें पिक करना ऑर्डर, शानू ने कर लिया और ये ऑर्डर। चलो फिर चलते हैं। गाड़ी हमारी आगे खड़ी है। हमने फर्स्ट ऑर्डर डिलीवर और मैंने उसकी क्लिप नहीं बनाई क्योंकि हमने ऐसे ली बैग दौड़नी था, उसके हाथ में पकड़ाना था। यह सेकंड ऑर्डर जो हमें पिक करना है, ये हमें लेना है बॉटल मार्ट इवानहो से और ये 400 मीटर्स है, बिल्कुल भी दौड़ नहीं है। एक मिनट में हम पहुंच जाएंगे। तो गाइज ये इस बंदी ने मंगाई है मस्त दारू की बॉटल और ये बॉटल बहुत सुंदर है, बट आई हैव नो क्लू कि ये है क्या चीज़। अगर आपको पता है तो कॉमेंट सेक्शन में बता देना। एक और ऑर्डर आ रहा है $5 3 किलोमीटर, ये भी हम ले लेंगे। हेडलबर्ग में सही है, हेडलबर्ग में बैक टू बैक ऑर्डर्स आते हैं। शानू ने बताया ये भी मुझे, क्योंकि हेडलबर्ग में मैं तो फर्स्ट टाइम उबर कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा कटता है। तो ये बोलता है कि हेडलबर्ग में ऐसे बैक टू बैक आते हैं। अगर हम अपने एरिया में करते हैं ना, बंटूरा मिल पार्क, वहाँ पे 2-4 आते हैं उसके बाद उबर सो जाता है। ये मजाक थोड़ी चल रहा है भाई, सो जाएगा, हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो इसलिए तो बट स्टिल लोग तो ऐसे ऑर्डर करते ही रहते हैं, पर रीजनल एरिया में मतलब दूर दूर रहते हैं ना लोग। इज दैट वाइन? यस। ओके, तो आई जस्ट आस्क्ड हर एंड शी टोल्ड मी दैट इट्स वाइन। बड़ी सुंदर वाइन की बॉटल थी। चलो फिर अब हम जाते हैं अपना नेक्स्ट ऑर्डर लेने के लिए, थर्ड ऑर्डर फॉर द डे। $10 का लिकर लैंड देख ले, टू फार राइट, 7 किलोमीटर्स, $10। यहाँ से पिक करना है हमें ऑर्डर। थियोस फिश बार ग्लूटेन फ्री फिश एंड चिप्स, इतना बड़ा नाम ये रहा। हाय, हाउ आर यू? तो ये इस इंसान ने इतना सारा खाने के लिए ऑर्डर किया है। आज ये मस्त सैटरडे मना रहा है। ग्लूटेन फ्री नगेट्स, हाफ चिप्स, कैबेज सैलेड, डिमसिम्स फ्लेक, पोटैटो केक्स, डिमसिम्स लिखा है ब्रो। और ये लीव एट डोर है, तो यहाँ पे हम अभी ऑर्डर छोड़ देंगे। किसी के छोटे छोटे से सैंडल भी पड़े हैं इधर। हैव अ गुड मील टूडल्स। तो अब बात करते हैं कि क्या आप उबर पे नया अकाउंट बना सकते हो या नहीं। तो फिलहाल सीन ये है कि उबर नए साइनअप्स नहीं ले रहा। उसका रीज़न ये है कि उबर पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिलीवरी पार्टनर्स हो गए हैं, तो इट सेज कि फॉर नाउ हम नए साइनअप्स नहीं लेंगे, तो यू कैन नॉट मेक अ न्यू अकाउंट ऑन उबर ईट्स। हाउएवर कुछ टाइम के बाद ऐसा हो सकता है ऑब्वियसली कि आप अपना अकाउंट बना सकते हो, बट यू विल हैव टू वेट फॉर अ वाइल।
सिंस सो मैनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर हेयर और काफ़ी लोग उबर ही प्रेफर करते हैं बिकॉज इट्स अगेन नॉट ईजी टू गेट अ जॉब एंड उबर एनी वेज बहुत कन्वीनियंट होती है. उबर इज़ वेरी कन्वीनियंट, इट मेक्स यू अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड आप ईजिली अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हो. दैट्स वाई सो मैनी पीपल प्रेफर डूइंग उबर और इसलिए उबर पर इतने ज़्यादा अकाउंट्स हो गए कि वो नए साइनअप्स नहीं ले रहा. तो ये स्पेसिफिकली कुछ एक मेन एरियाज़ में हो रहा है जैसे कि मेलबर्न, सिडनी, पर्थ एंड देयर वुड बी सो मेनी अदर प्लेसेस एज वेल, बट उसकी मुझे श्योरिटी नहीं है तो आई विल नॉट कन्फर्म दैट. सो इफ़ यू साइन अप फॉर उबर वहाँ से आपको मेल आएगी सेइंग तो यही सेम मेलबर्न और पर्थ के लिए भी आ रहा है कि अभी वो नहीं ले रहे हैं बट होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर एंड यू विल बी एबल टू मेक अ न्यू अकाउंट ऑन उबर ईट्स. प्लस इट्स नॉट जस्ट उबर ईट्स पे ऐसा हो रहा है बट डोर डैश पे भी ऐसा हो रहा है, मेन्यू लॉग पे भी ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा उबर ईट के साइनअप्स हो गए हैं. तो हाँ, होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर एंड वेन एवर देयर इज़ अ न्यू अपडेट आई विल अपडेट यू गाइस. तो ये हैं हमें जो नेक्स्ट दो ऑर्डर्स आए हुए हैं, साथ में ही हमें दोनों पिक करने हैं, जोसेफ यू और एक बेंसी. ऑर्डर्स भी बहुत प्यारे हैं और व्यू भी बहुत प्यारा है. हेलो कबूतर बेटा, वीडियो में हाय कर दो. इंसान के लिए रेड या ग्रीन, चलो हो गया ग्रीन, अब हम चल पड़ेंगे और अपना ऑर्डर ले लेंगे. सुंदर बना है एशियन कुजीन का, देखो इन्होंने शेफ भी बना रखा है. और ये वाले ऑर्डर्स तो बहुत ही पास के हैं. जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर है वो सिर्फ ऐसे 2 मिनट्स अवे और 1.4 किलोमीटर्स, और सेकंड वाला भी बहुत पास है. तो ये पास पास के ऑर्डर हैं, ये तो मस्त डिलीवर हो जाता है. ये वाला घर कितना मस्त है. तो गाइज ये जोसेफ का ऑर्डर है और इसने ये ऑर्डर किया हुआ है, लेमन चिकन विद एग फ्राइड राइस, बीफ इन वेजी ब्लैक बीन सॉस. वाला सेकंड ऑर्डर है और ये बिल्कुल भी दूर नहीं है, इट्स जस्ट 900 मीटर्स, एक मिनट में पहुँच जाएंगे. Also, आज मैं खुश हूँ क्योंकि मैं उबर कर रही हूँ और मैं फैक्ट्री नहीं गई हूँ. इवन तो मैं फैक्ट्री जाके भी खुश होती हूँ पर उबर में ज़्यादा मज़े आते हैं ना, क्योंकि ऐसे मस्त गाड़ी में घूमो, खुली हवाएं. फैक्ट्री के अंदर मुझे धूप देखने को भी नहीं मिलती है. जब मुझे ब्रेक मिलती है ना तब मैं थोड़ी देर ऐसे दरवाज़ा खोल के सनलाइट लेती हूँ टू फील अलाइव. बट या लेट्स गो. ये देखो ये उधर एलडी है. तो यहाँ पे कोल्स, वूलवर्थ और एलडी तीन सुपर मार्केट्स होते हैं जो कि बहुत फेमस हैं. पर फिलहाल हम लिकर लैंड में जा रहे हैं दारू लेने के लिए गाइस. बट हमारे ऊपर शक मत करना, हम नहीं पीते, हम सिर्फ डिलीवर कर दें. हाय हाउ आर यू, वी हैव एन ऑर्डर पिकअप. तो शानू वॉशरूम जा रहे हैं, तब तक हम ये देखते हैं कि इस इंसान ने मंगवाया क्या. ग्लेन मोरेगी, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन गाइज, बट इट्स अ विस्की. कितनी सुंदर सुंदर पैकिंग होती है यार, पैकिंग तो मस्त सुंदर है. इस पर यह भी लिखा है, फोटो आई डी मस्ट बी चेक्ड फॉर ऑल एल्कोहल डिलीवरीज. हाँ मतलब ये ऐसा होता है कि जब भी हम कोई एल्कोहल की आइटम डिलीवर करते हैं तो हमें हमेशा चेक करना होता है. हम उस इंसान की आई डी मांगते हैं और फिर उसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही डिलीवरी कम्प्लीट होती है. सो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में ऐसे रोड क्रॉस करनी होती है जैसे हमें यहाँ से क्रॉस करके वहाँ जाना है, तो ये वाला बटन प्रेस करना होता है और फिर देखो वहाँ पे ग्रीन हो जाता है, फिर आप जा सकते हो. अगर वहाँ पे रेड है तो फिर आप क्रॉस नहीं कर सकते, जब ये ग्रीन होता है तभी कर सकते हो. और ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसे ट्रैफिक रूल्स को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, तो अगर आप रेड लाइट भी टप देते हो तो आपके घर अगले दिन फाइन आ जाता है. मतलब अगले दिन नहीं पर थोड़े दिनों के बाद फाइन आ जाता है. जैसे हमें आया हुआ है, हमने एक बार रेड लाइट क्रॉस कर दी थी तो हमें 200-300 कुछ डॉलर्स का फाइन आया हुआ है. Two hours later. तो अभी हम आए हैं इस पिज्जा शॉप में, पिज्जा पास्ता एंड ग्रिल, और यहाँ से हमें तीन ऑर्डर्स आए हैं विच इज़ सो गुड. तो हम यहाँ से तीन ऑर्डर्स पिक करेंगे, ये वाले तीन ऑर्डर्स हम लेंगे. अभी एक ऑर्डर बन चुका है बट दो ऑर्डर्स में टाइम लगेगा, सो वी आर वेटिंग फॉर लाइक 15 मिनट्स. एंड हाउ लॉन्ग फॉर द थर्ड वन? एटलीस्ट 10. थैंक यू. ये ले लिया हमने दो ऑर्डर्स क्योंकि तीन ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा थे और उन्होंने बोला कि तीन ऑर्डर्स आप दो बंदे नहीं ले जा पाओगे, बहुत सारा पिज्जा मंगवाया लोगों ने. तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम दो ले जाते हैं, फिर तीसरा वाला हम दोबारा लेने आ जाएंगे. हमारा क्या है, हम तो उबर ही कर रहे हैं. ये देखो उधर एनी टाइम फिटनेस भी है, तो
तो इधर से गाइज आप लोग पिज्जा खाओ और फिर उधर एक्सरसाइज करने चले जाओ। इससे आप पिज्जा भी खा लोगे और आपको गिल्ट भी नहीं होगा। ओह यार यार ये कितनी ऑसम है यार। ये एरिन का हम डिलीवर करने जा रहे हैं और इसका हाउस नंबर है 97, पीछे 99 था। Toodles, have a good meal. All right, thank you. Utah. 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 Okay, so here we have the third order. Mastis ने तीन पिज्जा ऑर्डर किया। इतना बोर हो चुका है ना पिज्जा खा के। शानू भी डोमिनोज से पिज्जा लाता रहता है। अभी हमने परसों ही खाया था डोमिनोज का पिज्जा। डोमिनोज का पिज्जा इज रियली गुड, बहुत टेस्टी है। गार्लिक ब्रेड भी बहुत टेस्टी है। सो अभी हम आए हैं थर्ड ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। दो पिज्जा हमने ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं और थर्ड ऑर्डर कहाँ पे डिलीवर करना है दिखा मैं देखती हूँ। द थिंग इज कि इस वाले ऑर्डर के लिए हम थोड़ा सा लेट हो गया और वो बहुत देर से वेट करिए क्योंकि तीन ऑर्डर्स थे यार। अब तीन एक के साथ एक करने थे और रेस्टोरेंट ने प्रिपेयर करने में जेन्युइनली बहुत टाइम लगाया है, तो फिर ये वाला अब लास्ट में कर रहे हैं। A few moments later. So this is the same person जिसको हमने अभी पिज्जा डिलीवर किया है, उसने फिर से पिज्जा ऑर्डर किया है। क्या हुआ, उसको पुराना वाला पिज्जा पसंद नहीं आया? सो दिस इज वॉट वी हैव अर्न सो फार। पहले मैंने $17 दिखाए थे, देखो अब 76 हो गए। और फिलहाल हमें दो ऑर्डर्स पिक करने हैं, एक पिज्जा का और उसके बाद एक लिकर लैंड से, फिर से अल्कोहल का, फिर देखते हैं उसके बाद। तो इस रेस्टोरेंट में पूरा मेन्यू एक्सप्लोर करने के बाद हमने मंगाई यहाँ की स्पेशल चीज़ें, विच वॉज द चाउमिन एंड द वेजिटेरियन मोमोज एंड दे वर सो यम। प्लस हमने मंगवाई ये समोसा चाट और उसके बाद चाय, और चाय भी ये लिटरली बहुत मज़ा आया, इट वॉज सो गुड। तो गाइस खाना तो हमसे नहीं हो पाया फिनिश क्योंकि बहुत सारा था, तो फिर हमने ये पैक करा लिया। और फिलहाल टाइम हो चुका है, 10 बज गए हैं। सो आई डोंट थिंक अब हम और उबर करेंगे क्योंकि बहुत रात हो गया और थक गए हैं, फिर अब हम सोने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ हमने अभी तक अर्न कितना किया और फाइनल बताती हूँ और उबर करनी है या नहीं। फिर ब्रो और उबर करनी है या घर चलना है? नहीं अब तो 10 बज गए रात के, तो अब और उबर नहीं करेंगे, घर चले। हाँ घर चलते हैं। चलो ठीक है, फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम घर जा रहे हैं और हम आपको दिखाते हैं कि हमने अर्निंग कितनी करी अभी तक टोटल। तो ये मेरी है उबर ऐप और हमने अर्निंग करी है 87.83। यू कैन सी, मैं रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। हमारी सैटरडे है आज, तो सैटरडे की अर्निंग दिखा देता हूँ। ये आज हमारी ये वाली अर्निंग इतनी, हमने 4 घंटे ओवर करी है, 4.5 घंटे। 4.5 घंटे में हमें 87.83 डॉलर्स मिले हैं और हमने 11 टिप्स पूरी करी हैं इसमें। सही है, तो फिर हमने ऑलमोस्ट $90 कमा लिए 11 टिप्स 11 ट्रिप्स कर ली और अब हम जाएंगे घर। So I'm gonna end this video right here, guys. I hope you all had fun watching this video. And Uber Eats करके हमें बहुत मजा आया क्योंकि Uber Eats में बढ़िया होता है, अपना मस्त गाड़ी में गाने सुनते हुए Uber Eats कर लो, deliveries भी कर दो, पैसे भी कमा लो। So yep, I'll end this video right here. And I'm gonna see you all in my next video. Till then, take care. Lots and lots of love from Melbourne. Bye. तो कर दिया हमने फर्स्ट ऑर्डर डिलीवर और मैंने क्लिप नहीं बनाई उसकी क्योंकि उस बंदे को डिलीवर करना था यार। क्या बोलती हूँ यार मैं, क्या बोलती हूँ मैं, क्यों हुआ? मेरे को उस बंदे को डिलीवर करना था।